गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी टाइम है सुबह का, तो अभी मैंने जस्ट बात लिया है, अपने बाल भी धोए हैं, तो अभी मैं प्रसाद बनाऊंगी। तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है, वो पूरा दिन है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे इंग्लैंड में दिवाली मनाई जाती है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाऊंगी। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके जहाँ जाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम पहले पूजा कर लेते हैं। और मेरी आंखें लाल लग रही हैं क्योंकि जब भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती है, सो डोंट वेरी। तभी मैं आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो अब आप सभी को आता है, पर मैं अपना तरीके से बना रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो आपको शुगर ऐड करनी है और उसके साथ ही आपको गर्म पानी भी ऐड करना है। आज मैं राजमा और चावल बनाऊंगी। मैंने राजमा रात को भी भिगोकर रखे थे। उड़द की दाल है, इसका मैं सोच रही हूँ कि मैं दही बड़े बनाऊँ, तो शाम को बनाने का प्लान है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और हलवा मेरा रेडी है, अब मैं ऊपर जाकर अपनी जो पूजा है वो करेंगे। अरिका, वेयर यू गोइंग? से गाइस, कम विद अस, कम विद अस, से गाइस कम विद अस। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है और इसके बाद हम अपने जो सभी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ पर मिठाई देने जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ आए हुए हैं जो हमारी फैमिली मेंबर से भी ज़्यादा है, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ बनाकर रखा हुआ था और सारा कुछ उन्होंने अपने घर पर ही बनाया था और बहुत ही टेस्टी था। स्पेशली जो ये उन्होंने मिठाई बनाई थी, ये बहुत टेस्टी थी। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फूड इंजॉय करेंगे और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, तो उसके बाद हम और जो फ्रेंड्स हैं उनके घर जाएंगे मिठाई देने के लिए। अभी हम सभी फ्रेंड्स के जहाँ पर जा आए हैं और अभी मैं घर जाऊंगी और घर जाकर फटाफट से जो दिए हैं बिल्कुल मेरे सूख चुके हैं, मैंने रात को भिगोकर उन्हें सूखने के लिए रखा था। और मैं अब दही वड़े भी मैंने बना लिए हैं, इसकी रेसिपी मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि अभी बहुत यहाँ यूके में टाइम चेंज हो गया है और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो टाइम कम था इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये है मेरी मंदिर की लुक, मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक दिया है इस बार, मैंने ये लाइटिंग ली थी, आर्टिफिशियल लाइटिंग लगाई हुई है और बड़ा ही अच्छा और प्यारा लग रहा था।
और इसके बाद हमारा प्लान था कि हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर में आरती का समय होता है, तो हम मंदिर जाएंगे और वहां पर भी दिए जलाकर आएंगे। तो हम अपने घर पर अपनी जो पूजा है वो करेंगे और उसके बाद हम मंदिर की तरफ जाएंगे। सो ये जो लाइटिंग मैंने कल लगाई थी उनका लुक काफी अच्छा लग रहा था, और बाहर का भी लुक मैं आपको दिखाती हूँ बाद में कैसा लग रहा था। तो हम जल्दी से अपनी पूजा करेंगे और उसके बाद हम फिर मंदिर जाएंगे। सो ये जो दिए, घी का दिया मैंने जगाया था और ये दूसरे दिए थे, तो इनको पहले हम रख लेंगे। तो यहाँ पर अपने जो घर की बैकयार्ड है वहाँ पर मैं रखूँगी कुछ दिए और फ्रंट में रखूँगी। सो ये वाली लाइट्स जो सिम में लेकर आई थी पॉन्डलैंड से, ये वो वाली लाइट्स है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। आरिका बहुत खुश हो रही थी इसको देखकर, क्योंकि लाइट्स सभी को अच्छी लगती है, बहुत ही फेस्टिव सा लुक आ रहा था। और ये वो वाली बॉटल जो मैं पॉन्डलैंड से लेकर आई थी वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं, समय आरती का था लेकिन काफी ट्रैफिक भी थी, तो हम थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए। जब तक हम पहुंचे आरती हो चुकी थी और देखिए मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा था उस दिन, और काफी लोग थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और इंजॉय कर रहे थे अपना मंदिर में। तो हमने कुछ टाइम वहां पर स्पेंड किया। तो मंदिर के बाहर ये दिए जलाए हुए थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आरिका सबसे ज्यादा इंजॉय करती है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, अभी वो नेक्स्ट मंथ 5 इयर्स की हो जाएगी, तो बहुत ही इंजॉय करती है वो, क्योंकि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं अभी उसको नॉलेज नहीं है इतनी, पर जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो सीख रही है। हम भी उसे बताते हैं, घर पर भी बताते हैं और ट्राई करते हैं कि उसको मंथ में 2 या 3 बार हम मंदिर लाएं, ताकि उसको हमारे जो इंडियन कल्चर है, फंक्शंस है, उनका पता लगे। तो आप भी जरूर ट्राई करें अगर आप यूके में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्कूल में तो वही सीखते हैं इंग्लिश वगैरह, पर आप अपनी तरफ से ट्राई करें कि टाइम निकालें और बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़ें, अपने इंडिया के साथ जोड़ें। तो अभी हम जा रहे हैं, एक फ्रेंड के घर जाना था, दोपहर टाइम जाना था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर मिठाई देने के लिए। तो वहां पर जाएंगे और कुछ फायरवर्क्स भी हम वहां पर करेंगे। तो आरिका जैसे जैसे बड़ी हो रही है, मैंने आपको बताया, वो बहुत इंजॉय कर रही थी, जब उसने फायरवर्क्स देखे तो बहुत खुश हुई, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, पहली बार उसने ऐसे एक्साइटेड थी। तो
ट्राई करें कि आप भी अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़ें, उनको भी दिखाएं कि हमारा मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जहां पर भी आपका विश्वास है आप वहां पर जाएं और अपने बच्चों को सिखाएं अपना कल्चर। तो अभी हम यहाँ पर जो मैजिक में गुरुद्वारा है वहां पर रुकेंगे और फायरवर्क्स देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। आप मेरी लास्ट ईयर की दिवाली की वीडियो देखिए, उस पे मैंने पूरा जो फायरवर्क्स का प्रोग्राम था वो सारा डाला हुआ है। तो अभी काफ़ी ट्रैफिक थी और हम घर आ गए हैं और हम कुछ फायरवर्क्स थे वो अब चलाएंगे क्योंकि आरिका का मन था कि उसको चलाने थे। और इसके बाद हम अपना जो डिनर है, डिनर में मैंने बनाए हैं राजमा चावल और दही बड़े बनाए थे तो हम वो खाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करें। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू। तो ये था हमारा दिवाली का पूरे दिन का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका नया साल बहुत अच्छी तरह से जाए और सब खुश रहो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।